हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बॉडी मेकर। दोस्तों, मैं हूं राजन। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं कि अपने डेडलिफ्ट्स को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे डेडलिफ्ट करनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्या मेजर्स लेके क्या तरीके से आप डेडलिफ्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे इंजरी से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, देखते हैं आखिरी क्या है आपके लिए। साथ साथ जो लोग पहली बार चैनल पर आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये देखा गया है कि जो लोग डेडलिफ्ट करते हैं, या तो वो डेडलिफ्ट करने डरते हैं, या उनको डर होता है कि हम डेडलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, या उनको आइडिया नहीं होता डेडलिफ्ट करना कैसे है। मैं आपको बता दूं, डेडलिफ्ट ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके पावर और बॉडी फंक्शंस को वर्क करती है, आपके सारे जॉइंट्स पे सारी मसल्स वर्क करती है। एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि इस एक्सरसाइज करने से आपके लोअर बैक, अपर बैक एंड थाइज और काफ और आपकी हैमस्ट्रिंग में दोनों असर पड़ता है। इट विल ऑल्सो मेंटेन योर बॉडी बैलेंस और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आता है डेडलिफ्ट आप करते हैं। बट डेडलिफ्ट करना कैसे है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो डेडलिफ्ट करने से कुछ फ़ायदे हैं कि आपका एक तो स्टेमिना बढ़ता है, आपका बैलेंसिंग अच्छा होता है और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो बढ़ती है। साथ साथ हैमस्ट्रिंग्स और आपकी काफ काफ़ी अच्छी होती है इसको करने से। एंड अपर बॉडी में भी काफ़ी इसका देखा गया है, काफ़ी फर्क पड़ता है। बैक में एंड लोअर बैक में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया है डेडलिफ्ट करने से। तो चलिए देखते हैं डेडलिफ्ट कैसे करनी चाहिए, तो मैं बताऊँगा कैसे आप डेडलिफ्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे डेडलिफ्ट में करना कैसे है। डेडलिफ्ट करने से पहले कुछ जो ध्यान रखना है कि आपकी ग्रिपिंग और आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो आपको ओलंपिक रॉड चाहिए, ओलंपिक रॉड 6 फीट एटलीस्ट होती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। सो यू नीड टू पोजीशन योर सेल्फ, मिडल में आना है बिल्कुल रॉड के। आपको कोशिश ध्यान रखना है कि आपकी ना तो लेग ज़्यादा वाइड हो, ना ज़्यादा बिल्कुल क्लोज हो। इट शुड बी प्रोपोर्शनेट आपके थाई के लेवल पर बिल्कुल हो जैसे खड़े होते हैं, और आपकी हैंड ग्रिपिंग आपके शोल्डर की इक्वल होगी। सो आप चाहें तो ऐसे भी ग्रिप कर सकते हैं, आउटसाइड एक इनसाइड, या दोनों इनसाइड भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कहना चाहते हैं। मैं इसको एक आउटसाइड इनसाइड करता हूँ। एंड मेक श्योर जगह की पोजीशन हो तो आप बिल्कुल नीचे नहीं बैठेंगे ऐसे, और एकदम ऊपर नहीं होंगे, प्रोपोर्शन रहेंगे स्क्वैटिंग फॉर्म में। एंड इसको लिफ्ट करेंगे ईजिली ताकि आपकी लोअर बैक बिल्कुल सीधी हो, आपका चेस्ट बिल्कुल खिंचा हो सामने की तरफ, चेस्ट बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपके हाथ नीचे आएंगे। एंड यू नीड टू लिफ्ट इट वेरी स्लोली। जब यहाँ लेके आएंगे देन यू नीड टू लिफ्ट इट अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। कई लोग ऐसे लेके बिल्कुल पीछे टेढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल बैंड हो जाते हैं, बैंड नहीं होना। यू नीड टू लिफ्ट इट लाइक दिस एंड दिस, सिर्फ इतना लेके आना है। और नीचे लेके आना है तो आपने इसको ऐसे नीचे रखना है, देन अगेन अप। सो इट विल कंफर्टेबल योर पोजिशन। एंड मेक श्योर जब आप डेडलिफ्ट करें तो अपनी पोजिशन को बिल्कुल नॉर्मल रखें, ज़्यादा जल्दी जग नहीं करना, रॉड को ज़्यादा आगे नहीं करना उठाने के लिए, ना ज़्यादा बिल्कुल साथ जोड़ना है। इट शुड बी प्रोपोर्शनेट, आपकी थोड़ी बिल्कुल आपकी फेस लेवल पर आनी चाहिए रॉड आपकी, ताकि आपकी लिफ्ट अच्छी हो सके और आपके लोअर बैक में इंजरी ना हो। मेक श्योर जब आप लोअर बैक जब भी आप डेडलिफ्ट करें अपनी रॉड को अच्छा चूज़ करें, रॉड की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छी तरह होल्ड कर सकें। सो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। दिस दिस अप देन अप डाउन, दिस अप देन डाउन। सो दिस इज हाउ यू डू योर डेडलिफ्ट्स। दोस्तों, नाउ हम बात करेंगे कैसे डेडलिफ्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं आप, और क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए डेडलिफ्ट करने से पहले। मेक श्योर डेडली जब भी आप करें तो आप अपने बॉडी को पूरा वार्म अप करें, उसके बाद डेडली स्टार्ट करें। इट्स डिपेंड कि आप डेडली को पहले करना चाहते हैं या आखिरी में करना चाहते हैं, इट्स अप डिपेंड ऑन यू। आप अपनी लोअर बैक को और अपने थाइस को और अपनी होल बॉडी को वार्म अप अच्छा करें ताकि आप डेडलिफ्ट का वेट उठा सकें। दूसरी चीज़, आप जब भी डेडलिफ्ट करें हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं डेडलिफ्ट, और उसमें बीच में गैप होना चाहिए 4 से 5 दिन का, बिकॉज इट्स अ बिग मसल एक्सरसाइज, ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए। सो आपकी बॉडी के मसल्स को टोन अप होने के टाइम चाहिए। सो अगर मैं कहूँगा अगर आप मंडे को डेडलिफ्ट करते हैं तो उसके बाद दूसरी डेडलिफ्ट सैटरडे को करें, ऐसे अपना शेड्यूल मेंटेन करें। थर्ड वन, जब भी डेडलिफ्ट करें मेक श्योर कि आप जब भी डेडलिफ्ट स्टार्ट करें लोअर वेट से करें, कम वेट से करें, ताकि आप मैक्सिमम वेट को इंक्रीज धीरे धीरे करें ताकि आपकी लोअर बैक पर स्ट्रेन ना आए। लास्ट मैं कहूँगा डेडलिफ्ट का मोर और ज़्यादा डेडलिफ्ट को बढ़ाने के लिए आप स्क्वैट्स पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना आप वेटेड स्क्वैट बढ़ाएंगे उतना डेडलिफ्ट में आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मेक श्योर कि जब भी आप डेडलिफ्ट करें आप अपने आप में लूज क्लोथ पहने करें और आपका वेस्ट पे बेल्ट जरूर लें, ताकि लोअर बैक पे आप बेल्ट पहने, वेस्ट बेल्ट पहने, ताकि आपकी पूरी बॉडी पे स्ट्रेंथ जो बढ़ती है डेडलिफ्ट का उसका जोर आपके लोअर बैक पे ना पड़े।
इट विल इंक्रीज योर स्ट्रेंथ ऑल्सो एंड ऑल्सो आपके जो इंजरी होने के चांसेस को कम करेगा. सो दिस इज ऑल फॉर द डे और फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक द वीडियो. कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज सब्सक्राइब बॉडी मेकर. मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.